बिहार के पूर्णिया जिले में दो गुटों के बीच हिंसा भड़क उठी। यहाँ के बायसी थाना के मझुआ गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने महादलित बस्ती में आग लगा दी। कई घर जलकर राख हो गए। इस दौरान एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या भी कर दी गई। गांव के तनाव भरे हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रही है। विपक्षी पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और इसे सरकार पर कलंक बता दिया। हिंदुवादी संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। आज तक की खबर के मुताबिक 19 मई की रात एक पक्ष के सैकड़ों लोग मझुआ गांव की महादलित बस्ती में आ धमके। उन्होंने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच खूनी झड़प शुरू हो गई। झड़प में नेवालाल राय नाम के एक शख्स की मौत हो गई। करीब एक दर्जन ग्रामीण घायल हो गए। गांव पर हमला बोलने वालों ने महादलित टोले के एक दर्जन से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में कई मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई। पूर्णिया में हुई इस घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिशें भी की गईं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 200-300 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महादलितों के 23 घरों में आग लगाई, महादलितों से मारपीट की, महिलाओं से अभद्र व्यवहार भी किया। बीजेपी ने दोषियों की फौरन गिरफ्तारी और जल्दी सजा दिलाने की मांग की है। पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठाई है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा, पूर्णिया में बुधवार आधी रात को हिंदू दलितों पर इस्लामी आक्रमण हुआ। महिलाओं के सिर फोड़ दिए, बच्चों पर हमले किए, लेकिन सेक्युलर बिरादरी गहरी तंद्रा में है। पूर्णिया की घटना पर जिला प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि हमला करने वाले कहीं बाहर से आए थे। ऐसा नहीं है। प्रशासन का दावा है कि आरोपी और पीड़ित दोनों पक्ष स्थानीय निवासी हैं। प्रशासन के मुताबिक 19 मई की रात पूर्णिया के बायसी अंचल के खपड़ा पंचायत के तहत आने वाले नियामतपुर गांव में ये घटना घटी। इसमें दलित टोले के 13 घरों में 100-150 लोगों ने मारपीट और आगजनी की। इस दौरान रिटायर्ड चौकीदार नेवीलाल राय की मृत्यु हो गई। 20 मई को बायसी थाने में 3 FIR दर्ज की गई। अब तक 2 नामजद लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बनमनखी से विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, भाजपा MLC दिलीप जायसवाल और AIMIM के बायसी से विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। दिलीप जायसवाल ने अपनी ही सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रशासन की नाकामी के कारण ये घटना हुई है। कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि ये बहुत दुखद और अमानवीय घटना है। प्रशासन द्वारा अभी तक सिर्फ 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। ऐसा करके बस खाना पूर्ति हुई है, जबकि इस मामले में 2 अलग अलग FIR दर्ज हुई हैं। इनमें 60 लोगों को नामजद किया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवारों को दोनों वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए भी विचार हो रहा है। हर परिवार को 9,800 रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि भी दी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत भी मदद दी गई है। इसके तहत पीड़ितों को प्रति व्यक्ति 2,00,000 का 25% यानी 50,000 रुपए की दर से पहली किश्त उपलब्ध कराई गई है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके परिजनों को 8.25 लाख की आर्थिक मदद की 50% रकम अभी दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि बकाया राशि चार्जशीट दाखिल होने पर दी जाएगी। विपक्षी पार्टी RJD के नेता तेजस्वी यादव ने भी पूर्णिया की घटना पर सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि उग्र भीड़ द्वारा गरीबों और महादलितों के घर जलाना और उनसे मारपीट करने की घटना शर्मनाक है। ये दर्दनाक घटना बिहार की नीतीश सरकार पर कलंक है। तेजस्वी ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सरकार जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे, पीड़ितों को पक्का घर और मुआवजा दिया जाए। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।